नमस्कार आप सबको। 2 जून को उड़ीसा में एक बहुत खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। शायद ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ हो। 3 ट्रेन एक साथ में ये हादसा हुआ है और ये जो ट्रेन रूट है ये काफ़ी बिजीएस्ट ट्रेन रूट है। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ इतना इम्पोर्टेंट ट्रेन रूट पे? अपोजिशन वाले तो अभी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो क्या रेलवे मिनिस्टर को अभी इसी वक्त अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी चीज पे बात करते हैं। मोस्ट ट्रेजिक एक्सीडेंट ऑफ इंडियन रेल हिस्ट्री वेयर पैसेंजर ट्रेन हैज गॉन। ओडिशा रेल हादसे को लेकर देश में राजनीति शुरू हो चुकी है। देयर यू कैन सी दिस ट्रेन व्हिच चेंजेस ट्रैक्स। नाउ देयर इज जस्ट नो क्लैरिटी एट द मोमेंट। सेकेंड जून शाम को 7:30-8 बजे टीवी पे अचानक एक न्यूज आता है कि उड़ीसा में एक बहुत खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। उड़ीसा के बालेश्वर में 12841 करवंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से चेन्नई जा रही थी और दूसरे लाइन पे 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो बेंगलुरु से हावड़ा आ रही थी, इन दोनों ट्रेन का स्पीड 100 के स्पीड से ऊपर ही थी। अब ये दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी तब यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो बेंगलुरु से हावड़ा आ रही थी ये अचानक डीरेल्ड हो जाती है, मतलब ट्रेन की पटरी से उतर जाती है। और दूसरे लाइन पे जो करवंडल एक्सप्रेस आ रही थी जो हावड़ा से चेन्नई जा रही थी उससे जाके टकरा गई। सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसके बाद साइड पे लूप लाइन पे एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी, मतलब मालगाड़ी खड़ी थी, इसके बाद उस मालगाड़ी से जाके भी टकरा जाती है। ये यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस का 3-4 बॉगी पटरी से उतर जाती है। उतरने से क्या हुआ, ये बॉगी जाके करमंडल एक्सप्रेस से टकरा जाती है। फिर करमंडल एक्सप्रेस का 10-12 बॉगी पटरी से उतर जाती है। फिर ये करमंडल एक्सप्रेस का कोचेस जाके मालगाड़ी की जो वैगन है उससे जाके टकरा जाती है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि एक के बाद एक ट्रेन जाके टोटल 3 ट्रेन के साथ ये एक्सीडेंट हुआ और ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, तब ये ट्रेन का स्पीड 100 से ऊपर था। इससे तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की जान गई। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 300 से आसपास लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए। इसके बाद उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इस पूरे घटना को स्पेशल रिलीफ कमिश्नर से मॉनिटर करवाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस घटना के तुरंत बाद ट्वीट करके बताया कि उन्हें बहुत अफसोस है इस घटना का और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा वो सभी करेंगे। साथ में जिन भी विक्टिम का डेथ हुआ उनको 10 लाख रुपए और जिनको इंजुरीज हुए उनको 2 लाख रुपए और जिनको माइनर इंजुरी हुआ है उनको 50,000 रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पे बात था डीरेलमेंट का। बाद में न्यूज़ से पता चलता है कि ये करमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस के एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। हावड़ा से चेन्नई जाने के टाइम पे करमंडल एक्सप्रेस अपना मेन लाइन छोड़ के लूप लाइन में घुस गई थी और मालगाड़ी से जाके टकरा गई थी और ये एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे एक सवाल है कि करमंडल एक्सप्रेस जिनको मेन लाइन से निकलना था ये अपना मेन लाइन छोड़ के लूप लाइन में घुसा कैसे? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसके ऊपर कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट आने तक का आप लोग वेट कीजिए। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, इस घटना के पीछे जो लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको हम ज़रूर सामने लाएंगे। ड्राइवर जो है उनका कोई गलती नहीं दिख रहा है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट जो है उसको जल्दी पब्लिक किया जाएगा। किस कारण से ये हादसा हुआ इसकी भी जानकारी बहुत जल्दी सामने आएगी, ऐसा कहा गया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये घटना किसी ने जानबूझ के किया है या करवाया है। करमंडल एक्सप्रेस अपना मेन लाइन छोड़ के लूप लाइन में घुसा कैसे, इसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होगा। 3 महीने पहले उड़ीसा की सेम एरिया में ऐसा ही कुछ एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आया था। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था लेकिन सिग्नलिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। पर अब रेलवे मिनिस्टर को ये चीज़ पूछा जा रहा है कि अगर रेलवे को ये चीज़ पहले से पता था तो इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया गया है। इस एक्सीडेंट के घटना के बाद रेलवे बोर्ड चाहती है कि CBI से इन्वेस्टिगेशन हो। इंडिया में शायद ये पहला ट्रेन एक्सीडेंट है जिसको CBI से इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा। सरकार ने रेलवे की सेफ्टी के ऊपर बहुत कदम उठाए। रेलवे पे भी हर साल बजट बढ़ाया जाता है, फिर भी हम लोगों को हर साल कुछ ऐसे घटना दिखने को मिलता है। ऐसा यह घटना 1995 में दिल्ली के आसपास देखा गया था जिसमें 350 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी।
इससे पहले ये इंडिया की सबसे ज्यादा वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता था। ये डीरेल जो होता है मोस्टली ये रेल क्रैक की वजह से होता है। 2020 से 2022 के बीच में 10 ट्रेन डीरेल्ड हो गई थी। मोस्टली जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं ये किसी ह्यूमन एरर या कोई आउटडेटेड यानी पुराना सिग्नलिंग इक्विपमेंट की वजह से होता है। इंडिया में हर दिन 1,20,00,000 लोग 14,000 ट्रेनों में करीब 64,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आज के दिन सभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो मॉडर्न सिस्टम है इसको अपनाया जाए, सेंसर बेस्ड मशीन यूज़ करने चाहिए ताकि रेल पे कोई क्रैक हो तो तुरंत पता चले और तुरंत उसको ठीक किया जाए। अगर कोई ट्रेन आ रही है तो तुरंत उसको रोका जाए। ऐसा ही सिस्टम इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था, कवच, क्योंकि इंडियन रेलवेज का मोटो है जीरो एक्सीडेंट। पर ये कवच भी तभी काम करेगी अगर ये सामने आने वाली दोनों ट्रेन्स पे इंस्टॉल हो, तभी ये ट्रेन्स एक दूसरे से नहीं टकराएगी। और शायद इस सिचुएशन पे इन दोनों ट्रेन्स पे ही ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। देखिए, पॉपुलेशन के मामले में हम लोग चाइना से भी आगे चले गए, पर इंडिया में अभी भी 170 साल पुराना रेलवे सिस्टम चलता है। अभी तक के सरकार ने यानी मोदी सरकार ने नो डाउट रेलवे में रैपिड एक्सपेंशन किया है, नया नया एडवांस ट्रेन्स भी लॉन्च किया है, लेकिन शायद सेफ्टी को लेके उतना नहीं ध्यान दिया गया है। सरकार इस साल के बजट में 2.4 ट्रिलियन रुपीज इन्वेस्ट किया है नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया ट्रेन्स और भी बहुत कुछ चीज़ों के लिए। पिछले साल से 50% ज़्यादा एलोकेट किया है। सरकार ने कहा है कि 2024 तक और भी 67 नया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च किया जाएगा और फ्यूचर में टोटल 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अलग अलग रूटों में दिया जाएगा। ये सब तो ठीक है, रेलवे में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नया टेक्नोलॉजी वाले ट्रेन्स आ रहे हैं, लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा जब तक इन सब चीज़ों का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि एक बार लॉन्च किया फिर छोड़ दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेफ्टी है। इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और नया सेफ्टी सिस्टम्स को लॉन्च किया जाए, साथ में जो एग्जिस्टिंग सेफ्टी सिस्टम्स है उसको भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। अभी बात करते हैं कंक्लूजन पर। देखिए, ऑपोजिशन वाले तो बोल रहे हैं कि अभी रेलवे मिनिस्टर को अपना इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि रेलवे मिनिस्टर को अभी अपना इस्तीफा देने से ये जो हादसा हुआ है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, या फिर इस हादसे का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? किसी किसी पॉलिटिकल पार्टीज का नेताओं को देख के ऐसा लग रहा है कि उनको सरकार को ब्लेम करने का एक मौका मिल गया है बस। ठीक है, ब्लेम करना है करो, लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए वो तो सोचो। ऑपोजिशन वाले तो सरकार को ब्लेम कर रहे हैं और सरकार ऑपोजिशन वाले को ब्लेम कर रहे हैं। उन लोगों का क्या जिन लोगों ने इस हादसे में अपना बहुत कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी? पहले उन लोगों का तो सोचो। रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन के बाद क्या होगा, फिर इस चीज़ को कौन संभालेगा? मेरे हिसाब से तो अभी रेलवे मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अभी इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकता है। अगर मैं उनकी एडुकेशन की बात करूँ तो वो IIT से इंजीनियरिंग की है और एक IAS ऑफिसर भी थे। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ पता चला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।